कानून है जो, वो कानून हम लोगों की सुविधा के लिए तो बनाते हैं कि भाई इसको दो पैसे का फायदा हो। अब जरूरत होती है तो किसान के बेटे को उड़ा देते हैं बॉर्डर पे, भाई बॉर्डर पर लड़ाई ये लड़ेंगे, आपको फसल से नीचे भाई आपकी लागत है उससे नीचे आपको रेट नहीं मिलेगा। अभी आप ये बात कर रहे हैं ये कि भाई आप यहाँ से वहाँ बेच लो फसल को, दिल्ली बेच लो, यूपी में बेच लो, अरे आप दादरी वाडला में बाकी बात नहीं कर रहे, दिल्ली में गारंटी ले लोगे, ये तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ। नमस्कार, एडवोकेट सुनील सांगवान ने तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा करते हुए कहा कि यह किसानों के हित में नहीं है, अन्नदाता सड़कों पर बैठे हैं, सरकार को जरूर अन्नदाता की बात सुननी चाहिए। आइए जानते हैं सुनील सांगवान क्या कह रहे हैं। किसान के खिलाफ किसान विरोधी जो कानून बनाए हैं, इन्होंने ना तो किसी संगठन से बात की किसानों के लिए, ना इन्होंने कोई इस तरह का ये सिस्टम बनाया कि आम आदमी की बात को लेके, आम आदमी किसान की बात को लेके कि भाई हम कम से कम ये जो कानून बना रहे हैं ये किसान विरोधी हैं या नहीं है, इन्होंने कोई विश्लेषण नहीं किया इसके ऊपर। तो ये सरकार को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले टाइम में। और रही बात दूसरी, किसान कभी झुकता नहीं है क्योंकि किसान ने हमेशा देश को देने का काम किया है, और आने वाले समय में आप देख लेना बहुत जल्दी मोदी जी को घुटने टेकने पड़ेंगे किसानों के आगे। आप दिल्ली भी आपने देखा होगा कितना लंबा किसानों का आंदोलन, और ये आंदोलन कोई क्षेत्रवाद का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश का किसान खड़ा हुआ है सरकार के खिलाफ। तो इनको जल्दी इनको फैसले को वापस लेना पड़ेगा, ना तो सरकार के आगे किसान नहीं झुकने वाला है, ये स्पष्ट बात है। ऐसा है सर, ये जो अठ धर्मिता पे आए हुए हैं ये लोग, जब आदमी ज्यादा ताकतवर हो जाता है ना तो उसको घमंड हो जाता है। तो ये जो घमंड की जो बातें कर रहे हैं ना, ये जो आम आदमी की जमीन से जुड़ा हुआ उनको पता है भाई किसान जो है, किसान ने इस देश में, भारत देश आजाद हुआ सबसे पहले ये कि भाई भारत देश कृषि प्रधान देश है, जिस देश को आप कृषि प्रधान कह रहे हो वहीं उसके साथ ही जाति कर रहे हो आप। 75% आबादी है वो गाँव में बस रही है, और 75% आबादी गाँव में बसने के बावजूद किसान के ऊपर डिपेंड है, मजदूर किसान पे डिपेंड है, छोटा व्यापारी किसान पे वो है। तो आप ये देखो ना कि जो बड़े लेवल की जो बात है, ये सिर्फ जो ऊपर लेवल के दो पूंजीपति तीन पूंजीपति उनकी बात कर रही है सरकार। तो है आप लोगों में रहते हो, जनता में रहते हो, अच्छे दिन की बात ये है, सबसे पहले तो की नोटबंदी जी, उसके बाद GST, उसके बाद 15-15 लाख रुपए खाते में, उसके बाद इन्होंने क्या कहा, उसके बाद ये कहा कि देखियो आप सबका इतना बढ़िया काम से चाहेंगे हम, बोले हमारी तरफ देखते रहो, सबको सुई के नाके में से काटने का काम ये सरकार कर रही है। तो ये जो है, ये जो पॉलिसी इन्होंने बनाई है ये किसान के बिल्कुल विरोध है। इसका अगर कोई भाई BJP का कितना ही बड़ा नेता हो, मेरे साथ अगर बहस करना चाहे स्टेज में, मैं खुली ऐलान कर रहा हूँ कि करो और बताओ इसमें किसानों के प्रति क्या इसमें वो है, हम खुली बहस को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि सरकार कहती है कि इसी एक मुसलमानों को समझ नहीं आया, धारा 370 के बारे में जम्मू कश्मीर वाले समझ नहीं पा रहे, और इन तीनों बिलों को किसान नहीं समझ पा रहे, आखिर ये कैसी भाषा शैली है, कैसा कानून है, किस तरह की रणनीति है? ऐसा है, इन्होंने आने के लिए, आपको बहुत बारीकी से देखते हो सारी चीज़ों को, इन्होंने आने के लिए सत्ता में ये हर जगह अपना फार्मूला तैयार करके चलते हैं BJP वाले। गुजरात में अलग फार्मूला है, हरियाणा में अलग फार्मूला है, यूपी में अलग है और बिहार में अलग है। तो ये कोई एकता की बात नहीं है, ये मुस्लिम यहाँ है, इस देश के वासी है, देश के लिए शहीद मुस्लिम भी हुए हैं, तो ये राजनीति कर रहे हैं, ये भाईचारे की बात नहीं कर रही है पार्टी। कानून है जो, वो कानून हम लोगों की सुविधा के लिए तो बनाते हैं कि भाई इसको दो पैसे का फायदा हो, तो किसान की फायदे की बात इसमें MSP की लाइन क्यों नहीं जोड़ रही है, ये गारंटी क्यों नहीं ले रहे कि भाई अगर किसान ये बेचेगा फसल तो भाई उसको अगले का काट के उसको भाई मुनाफे की बात होगी। अब ये कह रहे थे दुगुना मुनाफे की बात कर रहे थे, दुगुने मुनाफे का जिक्र तो बंद कर दिया। दूसरी बात, जो इन्होंने गारंटी दी किसान की, ये भाई आपको पहले जो पहले अमेंडमेंट किया था उसमें किसान को या आम आदमी को सुरक्षित रखा गया था उसमें, कि भाई आपको फसल से नीचे भाई आपकी लागत है उससे नीचे आपको रेट नहीं मिलेगा। अब ये आप ये बात कर रहे हैं ये कि भाई आप यहाँ से वहाँ बेच लो फसल को, दिल्ली बेच लो, यूपी में बेच लो, अरे आप दादरी वाडला में बाकी बात नहीं कर रहे, दिल्ली में गारंटी ले लोगे, ये तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ।
देखो ये जो हुकूमत है ना, ये हुकूमत डिक्टेटरशिप की है। हमारे से बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ बैठे मौजूद हैं यहाँ धरने के ऊपर, और भी बहुत सारे हैं, तो उन्होंने बहुत लंबे लंबे समय देखे हैं, उन्होंने डिक्टेटरशिप भी देखी है। लेकिन जहाँ का आम आदमी दुखी हो जाएगा, जहाँ का व्यापारी दुखी हो जाएगा, जहाँ का किसान दुखी हो जाएगा, तो वो एक हट धर्मिता की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं। वो आम आदमी से उनको कोई लेना देना नहीं है, वो इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि भाई हमने किसी की कोई परवाह नहीं है, हम अपनी मनमर्जी करेंगे। तो मनमर्जी ये जनता नहीं चलने देगी। आज तक किसी आदमी की भी जो डिक्टेटर हुआ है ना, उसको फाड़ फाड़ के जनता ने फेंक दिया। तो ये बात इनको समझानी चाहिए आप लोगों ने ये चीजें। तो क्या अब किसानों के, अगर देखिए सरकार भी अड़ी हुई है, किसान भी अड़े हुए हैं, तो आगे का इस आंदोलन का क्या भविष्य रह सकता है? ऐसा है देखो जी, आंदोलन वालों ने एक खास तौर पे एक बहुत अच्छी मुहिम बना रखी है। उन्होंने ये कहा है कि राजनीति आदमी आओ स्वागत है, MLA आओ स्वागत है, मंत्री आओ स्वागत है, लेकिन उसको हम धरने उससे दूर रखेंगे, जो हमारी बात होगी ना उससे दूर रखेंगे। तो ये बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि राजनीति आदमी तो चलो आप ये कह सकते हो भाई अपने उसके लिए आया हुआ है, लेकिन ये जो किसान का जो ये आज जो गांव से उठ के जो किसान जाके शहर में प्रदर्शन कर रहा है, वो अपनी तकलीफ को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। तो ये बात सरकार को समझनी चाहिए कि भाई ये तकलीफ है, और तकलीफ को लेके वो वहाँ बैठा हुआ है परेशान होकर। इस देश में अगर गोली खाए तो किसान का बेटा बॉर्डर पे है, अब वो कहाँ चले गए कच्चाधारी? मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कच्चाधारी कहाँ चले गए? उन्हें डंडे चलाते थे, उन्हें डंडाला छोड़ दो बॉर्डर पे ले जाके। अब ये सिर्फ सिर्फ राजनीति बात कर रहे हैं ये लोग। अब जरूरत होती है तो किसान के बेटे को उड़ा देते हैं बॉर्डर पे, भाई बॉर्डर पर लड़ाई ये लड़ेंगे। अब वो उसमें एक बार बताओ मुस्लिम की बात ये कर रहे हैं, अरे मुस्लिम भी इस देश के लिए शहीद हुआ है, उसका भी हमने इज्जत मान रखना चाहिए, और वो देश उनका भी है जो यहाँ रुका हुआ है, आपके मान सम्मान में खड़ा है। तो ये तो एक देश को बांटने का काम कर रहे हैं ये, न कि जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर ये सही मायने में किसान हितैषी हैं, मजदूर हितैषी हैं, छोटे व्यापारी हितैषी हैं, आम आदमी के हितैषी करता है, तो इनको सोचना चाहिए, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, और किसानों की जो बात है उसको इन्होंने पूरा करना चाहिए। देखो जनता को पता है, और ये जनता सिस्सा है, सिस्सा आज जो किसान के साथ नहीं खड़ा है ना, उसको आने वाले टाइम में चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो, उसको कीमत चुकानी पड़ेगी।